हाँ जी सत श्री अकाल जी, एक नवी वीडियो दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ गुरप्रीत अते मैं इस वक्त बेलजियम तो फ्रांस वाल जा रहा। तो इस वीडियो दे विच मैं तुहानू अपना बेलजियम तो फ्रांस तक का सफ़र दिखाया है। अपनी पिछली वीडियो दे विच मैं तुहानू बेलजियम देश के ब्रसल शहर के वीडियो दिखाई सी। उत्थे मैं ब्रसल शहर दीआं गलीआं दे विच भी घूमिया, शॉपिंग भी की। इस तों इलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध थां हैगी उत्थे एटोमियम, उत्थे भी आपां गए। सो इस तों इलावा यूरोप ट्रैवल दीआं होर भी बहुत सारीआं वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं मैं अपने चैनल दे उत्ते। सो हुण इस वीडियो तो लैके तो अगलिया आने वाली वीडियोज़ दे फ्रांस का सफ़र देखोगे। और बेलजियम तो फ्रांस तक का जिहड़ा ये सफ़र है मैं बस दे विच कर रहा हाँ। तो तुसीं देखियो कि एक जिहड़ा शैनिगन एरिया हैगा आ, इत्थे तुसीं एक देश तो दूसरे देश दे विच किन्ने सौखे तरीके नाल एंटर हो जाने। सो इस वक्त ये जिहड़ा तुसीं रोड देख रहे हैं जां आले दुआले का माहौल देख रहे हैं, सामने जो भी तुसीं खेत या तालाब जो भी तुसीं देख रहे हैं, ये सारा एरिया जिहड़ा हैगा आ ये बेलजियम देश का आ। तो मैं बेलजियम तो अगे हुण फ्रांस के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया हाँ। तो फ्रांस बॉर्डर के उत्ते पहुँच के फिर तुसीं देखियो भई साडी एंट्री किद्दां हुंदी आ। तो इस तों इलावा फिर हुण अगलियां जिहड़ियां वीडियो जिद्दां कि मैं तुहानूं दस ही चुका हाँ कि फ्रांस दीआं आउणगीआं, आपां पैरिस विच रुकांगे, पैरिस दे आले दुआले दे इलाके घुमांगे। सो यह हैगा जी बेलजियम ते फ्रांस का बॉर्डर, आ सामने तुसीं देख सकदे आ यही बॉर्डर आ। तो इत्थे तुसीं देख सकदे आले दुआले कुछ ट्रक रुके हुए आ, बस भी इत्थे थोड़ी देर लई रुकी है। तो आले दुआले तुसीं देख सकते हैं कि कुछ नहीं है, कोई बॉर्डर की तार नहीं हैगी, कोई इतने आर्मी नहीं खड़ी हैगी, कोई इदा की चैकिंग नहीं। मैं भी अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं इतने चेक करवाया, यानी कि मैं सिर्फ बस दे विच बैठा हाँ। तो तुसीं देखो थोड़ी देर तक यह बस जिहड़ी हैगी तुर पैनी है। सो हुण थोड़ी देर बाद अगे आपां इत्थे रुकांगे भी इत्थे कुछ, क्योंकि बस दे विच बैठिआं नूं काफ़ी देर हो गई है। तो अगे कुछ कोई रेस्टोरेंट वगैरह आउंदा तो उत्थे जाके फिर आपां रुकदे हाँ, बस जिथे रुकूगी उत्थे आपां खा पीवांगे भी। सो फिलहाल तो आपां खड़े हाँ जी बेलजियम ते फ्रांस के बॉर्डर के उत्ते। सो लो जी साडा जिहड़ा इत्थे जिन्ना भी कारवाई सी कंप्लीट हो गई, तो हुण आपां फ्रांस के एंटर हो रहे हैं। इस टाइम तो मैं बेलजियम के हैगा, तो आ सड़क हुण बिल्कुल असी ये लो जी तुसीं देख सकते हैं कि बेलजियम तो फ्रांस के हुण असी एंटर हो चुके हैं। तो कितना ज़्यादा सौखा सगा काम एक देश तो दूजे देश के एंटर होना, हुण ये आपां फ्रांस के रोड के उत्ते आ गए हैं। सो लो जी हुण अपना फ्रांस का सफ़र इतों शुरू हो गया। फ्रांस की जिहड़ी सीरीज़ हैगी है वो हुण तुहानूं इतों अग्गों देखण नूं मिलेगी। आईफिल टावर ते भी जावांगे, इत्थे अगे होर भी बहुत सारिया फेमस थावां हैगियां आ। तो जिन्ना भी हो सकिया मैं तुहानूं घुमाऊंगा, जो भी नॉलेज जे तुहानूं कोई अपना इस टूर के रिगार्डिंग कोई जे तुसीं जानकारी चाहुंदे हो तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में पुछ सकदे आ। तो आले दुआले का जिहड़ा हुण तुसीं माहौल देख रहे हैं जां तुसीं एरिया सामने देख रहे हैं जंगल जिहा, ये सारा हुण फ्रांस का आ। सो देखो जी व्यू आले दुआले दे, ते थोड़ी देर तक आपां किते रुकदे हां ते फिर मैं तुहानूं उत्थे मिलदा हां। देखो मैनू फ्रांस में एंटर होए नूं तकरीबन एक घंटा हो गया बस चलदी नूं। तो आले दुआले तुसीं देखो खेत, दूर दूर तक खेत आ, किते किते घर आ जांदे आ, जां छोटा जिहा एक टाउन नज़र आ जांदा हैगा आ। तो वधिया लग रहा आले दुआले का माहौल, किते किते मीह तेज़ हो जांदा, बदल भी वाहवा होया पिया आ। तो हुण बस दे विच अनाउंसमेंट होई है कि बस थोड़ी देर तक रुकेगी किते, तो हुण असीं उत्थे रुक के ते कुछ खाने पीने आ। उन्नी देर तक तुसीं आले दुआले का माहौल देखो। आले दुआले मैं ये भी देख रहा हाँ कि जिदा कह लो कोई इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ लगता, जिदा फैक्ट्रियां जां इदा दी वड्डे वड्डिया बिल्डिंगा काफ़ी आई हैं इतने आले दुआले। सो काफ़ी वधिया लग रहा आले दुआले का माहौल। तो हुण तुसीं देखो आले दुआले इंजॉय करो, तो अगे आपां मिलदे हां, रुकदे हां ते किते उतरदे हां आपां इत्थे। जिदा जिदा आप अगे वध रहे हैं समान थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है। मैं पिछली देश बेलजियम जिन्ने दिन रहा उत्थे लगातार बारिश होंदी रही, सो बारिश के करके ज़्यादा घूमया भी नहीं गया। सो इस करके बेलजियम दी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनिया। सो अगे उम्मीद करता हाँ कि फ्रांस के मौसम ज़्यादा जिहड़ा है ठीक ही होएगा, तो क्योंकि मौसम ठीक होएगा, जिन्ना वधिया मौसम होएगा उन्ना ज़्यादा आप घूम लवेंगे।
ਅਤੇ ਖੈਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ, ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਪ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਿਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹੈਗਾ, ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੌਲ ਟੇਬਲ ਈਜ਼ੀ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਫਰੈਨ ਪ੍ਰਿਕਸ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਹੈਗਾ ਏ ਟੇਬਲ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈਗੀ ਆ 3.90 ਯੂਰੋ, ਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜੂਸ 3.50, 3.20 ਯੂਰੋ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ LCL, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਡਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਔਡਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈ ਡੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਏ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈ ਡੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਈਟ ਇਨ, ਟੇਕ ਆਊਟ, ਟੇਕ ਆਊਟ। ਅਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਪੇ ਵਿਦ ਕਾਰਡ ਔਰ ਵਿਦ ਕੈਸ਼, ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਫੀ, ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਹੌਟ ਡਰਿੰਕ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਫੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਫੇ ਲਾਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਲਾਟੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, 2.90 ਦੀ ਆ। ਪਿਕਅਪ ਲੇਟਰ, ਓਕੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵੈਲੀਡੇਟ ਔਡਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਡਰਿੰਕ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਔਡਰ। ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਯੂਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੰਨ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਔਡਰ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ, 2.90 ਯੂਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਫੀ ਔਡਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਫੀ। ਹੁਣ 84 ਨੰਬਰ ਆ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਡਿਸਪਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਸਰਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਲੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ सो अंदर रश बहुत ज़्यादा सगा सो इस करके मैं कॉफ़ी ली तो मैं सोचा भी आले दुआले का माहौल देखते हैं बाहर घूमते फिरते हैं तो मैं बाहर आ गया तो इतने हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है सो इस तो पहला कि मैं तुम्हें आले दुआले का माहौल दिखाव मैं एक तुम्हें रिक्वेस्ट करनी चाहता कि जेकर मेरी वीडियो वधिया लग रही है तो वीडियो में लाइक जरूर करो तो इस तरह होर भी बहुत सारिया वीडियोज़ देखने के लिए तुम मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर करो सबसक्राइब करने के लिए वीडियो के हेठां लाल रंग के सबसक्राइब बटन में दबा दौ सो लो जी तुसी आले दुआले का माहौल देखो इस वक्त इत्थे बदल होया आ ते थोड़ी देर पहले मीह पैंदा सीगा ते बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज़ स्पीड दे नाल ते इस तो पिछले देश विच मैं जिद्दां तुहानूं दस्सी चुक्कां कि बेलजियम च सीगा पहला मैं ते बेलजियम दे विच मतलब कि जिथे कि असीं मैं घूम रहा सीगा बहुत उच्चिया उच्चिया बिल्डिंग रस्तियां दे विच घूम घूम के कह लो भी अक गए सीगे ते मेरा मन करदा सीगा कि हुण किसी खुले जिहे थां ते जाया जावे ते इत्थे आ के बड़ा वधिया लग रहा दूर शायद तुहानू सामने विंड टरबाइन भी चलदी दिख रही हो जो तो मैं यूरोप एंटर होया ना मैनू विंड टरबाइन बहुत ज़्यादा दिखिया तो वो शायद इस करके देखो भी हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है तो आले दुआले का माहौल देखो बड़ा क्लीन साफ सुथरा जहा माहौल जहा लग रहा तो ठंड के मौसम में कॉफ़ी पी रहा मैं तो आओ थोड़ा जहा होर अगे चल रहा मैं फ्रांस में एंटर होया ना तो इदा दे खुले खुले खेत जी टी रोड के आले दुआले आई जाते हैं देखो जी ट्रक आ गया एक जिदा देखो हूँ सामने घर है ना इदा कितने जिदा पे जिदा पिंड लगता पिंड कितने पिंड आ जाता फिर इदा खुले खुले खेत कि उच्चे नीवे पहाड़ जे आ जाते पहाड़ मतलब ज्यादा उच्चे नहीं जिदा थोड़ी जी टिब्बे जे होंगे कह लो थोड़े जे उच उच्चा नीवा एरिया जहा तो बहुत ज़्यादा सोहना लग रहा है मैनू फ्रांस का जोड़ा है ना अलग ही वाइब जी आ रही है अलग ही जोड़ा थोड़ा जहाँ फीलिंग जी आ रही कि बहुत वधिया लग रहा है तो देखो plant as well they are also very good with automobiles can you name any french car companies depression medicine so I mean in the whole world the maximum amount of depression medicines are consumed in france so they are the biggest consumers you all have heard about the louvre museum is one of the museums biggest museums in paris paris has got 72 museums out of which louvre museums is the biggest museum and it is also the one of the biggest museums. In 1997 a french gentleman called philippe invented the mobile phone camera ever since then you see no longer see tourists hanging a camera in their with them I mean one football team is called the PSG everybody knows a lot of people would know PSG is Paris Saint Germain they are the local football team of Paris and the French national team practices in the Stade de France which is the football ground Formula 1 racing is very very popular throughout the Europe and is also popular in the France tennis you all have heard about the French Open देखो जिदा जिदा आप अगे वध रहे हैं बारला माहौल चल रहा है कि बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है तो सामने तुसी टोल प्लाजा देख सकते हैं कितना बड़ा टोल प्लाजा है तो पैरिस के काफ़ी नेड़े पहुँच गए हैं तो जिदा जिदा आप पैरिस के नेड़े पहुँच जावे तो इस फ्रांस बारे या पैरिस बारे थोड़ी बहुत होर जानकारी भी दिता जाऊँगा सो वीडियो जो तुम्हें वधिया लग रही तो वीडियो में लाइक जरूर करो क्योंकि हुण अगलिया सारिया वीडियो जिहड़ियां हैगियां तुहानू फ्रांस दियां देखण नू मिलणगियां इस वक्त मैं पैरिस शहर के बिल्कुल नेड़े पहुँच गया तो बस जी हैगी पैरिस एयरपोर्ट के बिल्कुल नेड़ों की लंघ रही है
तो सामने तुम बिल्कुल ध्यान न देखो वो जरा जहाज हैगा ना वो जो टेक ऑफ होने लगे तो ये देखो जी ये बस हैगी है ना यानी कि यह रोड जोड़ा हैगा ये रनवे के हेठा तो लंघेगा यानी कि जरा जो रनवे बनया हुआ रोड के उत्ते बनया हुआ है देखो तो मैं ये बारे काफ़ी सुनया इस रनवे बारे मतलब काफ़ी सुनया जी टी रोड के उत्तों की लंघता है हाईवे के उत्तों की सो मैं तुम्हें हमने दिखा आप हूँ आ जरा सामने तुम पुल देख रहे हैं ये एक्चुअली आप इस टाइम के उत्ते हाई जो रनवे हैगा आ रनवे के हेठा तो जा रहे हैं यानी कि ये उपर एयरपोर्ट है इस आज रोड के उत्ते सो बहुत ये भी इस रोड बारे भी मैं बहुत ज़्यादा सुनया सो अज इतों की लंघ के बड़ा वधिया लग रहा सो एक रनवे सगा आ हूँ सैकंड रनवे के हेठा तो आप जा रहे हैं सो ये उपर भी जोड़ा है एयरपोर्ट आ सो आप हूँ पैरिस के बिल्कुल नेड़े पहुँच गए हैं तो पैरिस के अगले आने वाले जे जिन्हें भी कोई फेमस चीज़ होगी मैनू तो मेन मेरा ध्यान है कि मैं आईफल टावर कितने के जाके देखता वो मैं वह इंतजार कर रही क्योंकि आईफल टावर देखने का बहुत ज़्यादा चा है सो जिदा मैं आईफल टावर देखता है मैं तुहानू वीडियो जी है इसे वीडियो कोशिश करूँगा कि मैं दिखावा अदरवाइज़ आप आईफल टावर से जाना तो है ही है सो कोशिश करता कि अज जो भी होटल में मैं पहुँचता हाँ उत्थे समान वगैरह रख के जो रात को हो सके तो रात को एक बार आईफल टावर वाल जाके आऊँगा वैसे मैं कल आईफल टावर की जी है ना वो टॉप के उत्ते जा रहा टिकट वगैरह सारा कुछ ऑनलाइन लै चुके हैं ऑलरेडी सारा कुछ बुक हैगा तो तुम वीडियोज़ देखते रहना आने वाली वीडियोज़ में तुम्हें आईफल टावर भी घुमाना आ पैरिस सिटी भी पूरा घुमाना आ तो बहुत कुछ देखने इतने मिलेगा होर Cathedral in Paris is called the Sacré-Cœur. Behind the buildings, you see a dome, two domes. Four minutes away. So like that, it will tell you the next exit. What is the next exit and how far is it from here? So Paris is known for its beautiful city plan, its architecture, its museums, city of light. And it is the second largest and the most populous city in Europe after London. But if you talk about the continental Europe, it is the most populous city in continental Europe. Paris is called the city of light because. So ये सी जी मेरा बेलजियम तो फ्रांस तक का जरा सफ़र अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं तुम्हें आईफिल टावर तो इस अलावा होर भी बहुत सारिया चीज़ा दिखाऊँगा सो अपनी इस वीडियो में मैं हूँ इतने ही एंड करदा उम्मीद करदा है कि तुहानू ये वीडियो बहुत ज़्यादा वधिया लगी होगी वीडियो वधिया लगी है तो वीडियो में लाइक जरूर करो तो जेकर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल में सबसक्राइब भी जरूर करो सो मिलते हैं जी किसी नवी वीडियो के नाल।